Experiences and bad experiences. Success comes from experiments and experiment comes from bad experiences. बहुत कम ऐसा होता है कि हम पहली ही ट्राई में कामयाब हो जाएं, सक्सेसफुल हो जाएं, वरना फर्स्ट टाइम में कोई ना कोई ऐसी गलती करते हैं जिससे हम फेल हो जाते हैं. ये भी बहुत कम होता है कि हम एक बार फेल होने के बाद दोबारा कोशिश करें, दोबारा वही ट्राई करें. अक्सर पहली ट्राई में फेल होने के बाद हम किसी चीज़ को छोड़ देते हैं, तर्क कर देते हैं, गिव अप कर जाते हैं, क्योंकि हमें लग रहा होता है कि हम यहाँ पे सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते. हालांकि वो गलती हमसे नहीं होती, वो गलती हमसे करवाई जाती है, बल्कि वो हमसे करवाई जाती है ताकि हम आगे जाके किसी बहुत बड़ी गलती से बच सके. वो गलती हमें सिखाने के लिए करवाई जाती है, हमें कुछ ऐसा सिखाने के लिए जो आगे चल के हमारे लिए मुश्किल क्रिएट ना कर सके, कि हम उस काम में परमानेंट सक्सेसफुल हो जाए. अगर हो सकता है वो गलती हमसे ना हो तो हम आगे चल के कोई बहुत बड़ी गलती करें. जब हम उस चीज़ को सीख जाते हैं तो हम फिर डगमगाते नहीं, बल्कि उस काम को अच्छे से कर लेते हैं. हम उस चीज़ से सीखते हैं और ग्रो कर जाते हैं. वो गलती इसीलिए एक्चुअली हमसे करवाई जाती है, हमें डिस्करेज करने के लिए नहीं. और बहुत सारे लोग उसे एक गलती से डिस्करेज हो जाते हैं और उस काम को करना छोड़ देते हैं, गिव अप कर जाते हैं, और फिर वो कभी भी कामयाब नहीं होते, बल्कि हो ही नहीं सकते. हालांकि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये मानना पड़ेगा. और हमें ये बात देर से समझ आती है कि हमारे साथ जो बुरा हुआ था वो एक्चुअली बुरा नहीं था, वो हमें ये जो अच्छा हुआ है हमारे साथ उसी बुरे की वजह से हुआ. और ये समझ अक्सर सक्सेसफुल होने के बाद आती है, जो फेल हो जाते हैं उन्हें कभी समझ नहीं आती, क्योंकि वो दोबारा कोशिश ही नहीं करते और वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते, इसलिए उन्हें ये चीज़ समझ ही नहीं आती. हम सक्सेसफुल अपने फेलियर की वजह से होते हैं, अपनी सक्सेस की वजह से नहीं, क्योंकि फेलियर हमें बहुत कुछ सिखाता है. सक्सेस सिर्फ खुशी और एक्साइटमेंट देती है, और खुशी और एक्साइटमेंट में इंसान बहुत कुछ भूल जाता है. फेल होने के बाद अकलमंद अपनी गलतियों को ढूंढता है और उनसे सीखता है, उनको दुरुस्त करता है. और अगर कोई पहले ही ट्राई में सक्सेसफुल हो जाता है तो वो अपनी गलतियों को भूल जाता है और सिर्फ सक्सेस को सेलिब्रेट करता है, और फिर वो आगे जाके कहीं ना कहीं उसी चीज़ में अटक जाता है, गलती कर जाता है, वही गलती दोबारा कर जाता है. और हार के जीतने वाला कभी एक ही गलती दोबारा नहीं करता. इसीलिए जो भी होता है मैं ये मान